फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं कच्चे करेले के चिप्स। इसे हमने करेले ले लिए हैं इस तरह से, आप चाहो तो इसे भी बड़े साइज के ले सकते हैं। अब हम इस सबको पहले धो देते हैं, काटने के बाद नहीं धोना है। हमने इसे धो लिए हैं, अब धोने के बाद हम इसे गोल गोल कटिंग कर देंगे इस तरह से, पतले पतले स्लाइसेस इस तरह से गोल गोल काट देंगे। इसको कोई भी छीलेंगे नहीं। देखिएगा, इसे आप बनाएंगे तो जो करेले नहीं खाते हैं वो भी खाएंगे, इसके कड़वापन जो है खत्म हो जाती है। फ्रेंड्स, हमने इस तरह से सारे करेले को कट कर लिए हैं। आप इसमें सारे मसाले डाल देंगे, उसके बाद ही फ्राई करेंगे। इसके लिए हम डालेंगे 1 चम्मच हल्दी, मिर्च पाउडर 1 चम्मच, और हम डालेंगे कॉर्न फ्लोर। अगर आपके पास कॉर्न फ्लोर नहीं है तो आप चावल के आटे भी यूज़ कर सकते हैं। और मैं डालूंगी इसमें थोड़े से चाट मसाला 1 चम्मच। अगर है आपके पास चाट मसाला तो ठीक है, वरना आप अमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं। मैं इसमें अमचूर पाउडर भी थोड़ा कर दे रही हूँ ताकि इसका खट्टापन कुछ और भी कम हो जाए। इसमें 1 चम्मच चावल के आटे भी डाल दे रही हूँ ताकि और अभी ये क्रिस्पी क्रंची बने और इसके कड़वापन जो है बहुत ही कम हो जाए। अब इस तरह से हम सबको मिक्स करेंगे और कढ़ाई में तेल गर्म करके इसे इस तरह से तलना है। इसमें 1 चम्मच नमक डाल देते हैं स्वाद के अनुसार, इस तरह से मिक्स कर देते हैं। फ्रेंड्स, इसे इस तरह से फ्राई करते रहना है पलट पलट करके, कच्चे पनीर रहेंगे ये। अपने आप ऐसे करेंगे तो आवाज़ आने लगेगा चिप्स जैसे। करीब 10-15 मिनट लगते हैं इसको फ्राई करने में। हो चुके हैं, अब हम निकालते हैं इसे। बचे हुए करेले इस तरह से डाल देते हैं। फ्रेंड्स, हमारे ये करेले ये भी हो गए, अब हम इसको भी निकाल देते हैं निखार के। और इस तरह से करेले के चिप्स रेडी हैं। फ्रेंड्स, इस तरह से हमारे करेले के चिप्स रेडी है। आप इसे ऐसे ही खा सकते हैं जैसे नॉर्मल चिप्स खाते हैं, आलू के चिप्स, या आप चावल में भी खा सकते हैं। नहीं खाने वाले करेले वाले लोग भी इसे खा सकते हैं। करेले को देखे होंगे शुगर वाले और बहुत सारे बीमारी वाले लोग बहुत ही खाते हैं, तो इसे आप देख सकते हैं बहुत ही क्रंची है। तोड़ कर भी दिखाती हूँ आपको मैं इस तरह से, बहुत ही क्रंची है, बिल्कुल लगे ही नहीं कि करेले के कड़वे चिप्स हैं। आप इसे ऐसे ही बैठ कर खा सकते हैं, बहुत सारी सेहत और स्वास्थ्य के लिए भी बहुत सारा लाभप्रद है। थैंक यू, और आप इसे बनाकर ज़रूर देखिएगा। लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।